गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हो आप सभी लोग। और आज हम लोग बात करेंगे और काम भी करेंगे। आज काम करेंगे हम लोग RS 200 पे, जिसपे येलो कलर की गाड़ी है और उस पर हम लोग आज हम टेस्टिंग करेंगे शार्क थीम। तो चलिए फिर आप लोगों को काम दिखलाते हैं, और उससे पहले आप लोगों को जो है हम खोल के दिखलाते हैं। हमेशा की तरह जो है ये डब्बा देखते हैं आप लोग की पैकिंग हमेशा अच्छी आती है। देखिए कितनी मोटी पैकिंग है, जिसमें से हमारा रोल ख़राब नहीं होता। और उस पर भी इन्होंने जो है बबल वाले, जो आपके एयर बबल वाले जो होते हैं, वो लगा रखे हुए हैं। अब इसको खोलते हैं हम लोग, खोल के देखते हैं। तो मित्रों, हम लोगों ने खोल लिया है ये ग्राफिक RS 200 की, जो कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये टंकी का सेक्शन है और आपका जो है ये आगे वाइजर का सेक्शन है। देख रहे हैं ये पूरा इस तरीके से लगता है, और आगे का जैसे दे रखा हुआ है इस हिसाब से है। एक शीट आपकी ये हो गई, और ये एक शीट आपकी आ गई दूसरी, ये इस तरीके का पूरा ये शीट आगे, नीचे का पैनल का आगे तरफ का, दूसरी तरफ पे एक और शीट है। तीन शीट अपने को मिली है और उसको हम जो है लगाएंगे। ये रही तीसरी शीट, जो कि कुछ ऐसी दिख रही है। और देखिए बताइए, गाड़ी बनने के बाद आप लोगों को तो स्टोरी बताएंगे ही बताएंगे। अभी जो है रैपिंग का काम स्टार्ट हो गया है, सफाई चल रही है, और उसमें हम लोग अभी कर रहे हैं कुछ क्लीनिंग, क्योंकि पुराने स्टिकर निकालने होते हैं। पुराने स्टिकर निकालने के बाद फिर हम जो है इसमें लगाएंगे रैप नया। और कस्टमर जो है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि जो उसमें पीला जो कलर है गाड़ी का, हमने देखा तो वो बिल्कुल हाइड हो जाए। तो पूरा हाइड तो मुश्किल है कि हो पाएगा, मगर हम उसमें कुछ दिमाग लगाएंगे करेंगे, हो सकता है ब्लैक थीम से कुछ बनाए। तो चलिए फिर आप लोगों को काम आगे प्रोसेस करता हुआ दिखलाते हैं। आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो से पूरी डिटेलिंग वीडियो मिल जाए, क्योंकि मेरी कोशिश यही है। तीन चार तरह के कैमरे लगा रखे हुए हैं कि ताकि आप लोगों को वीडियो मिल सके और डिटेल मिल सके। जैसे पहले बना करती थी, फिर से बना रहा हूँ। चलिए खाते हैं आप लोग की। यहाँ पे स्टिकर की सफाई वफाई हो गई है, बिल्कुल सब कुछ चमक रिया है, और टैंक वैंक भी सब ऑलमोस्ट साफ हो गई। ये निकालना है दोस्तों। हमारा पहला पीस जो है लगने जा रहा है दोस्तों, और देख रहे हैं आप लोग, ये पीस पहला जो है यहाँ लगाया जाएगा इसको। अरे ये दूसरा पार्ट जो है लग गया है। ये हम लोग जो है अब ये दांत लगाने जा रहे हैं गाड़ी में। गाड़ी को जब ये लग जाएगा फिर देखिएगा कितना जबरदस्त और रैपचिक गाड़ी दिखेगी। शार्को दिखेगी। अच्छा, शारकुड़ी। देखिए ये आदमी है, यही बोल रहा है शार्को और शारकुड़ी, अंडा पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। ये देखिए गाड़ी हमारी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इसमें दो तीन चीज़ जो है अब बची हुई है। नीचे का पैनल पे स्टिकर लग रहा है, और एक दिन तो एटलीस्ट लग ही जाता है इसको कंप्लीट करते करते। सो गाड़ी बहुत शानदार लग रही है, और ये रोशनी में और अच्छी लगेगी। और आगे का लुक कुछ ऐसा आ रहा है, देखिए बिल्कुल बम्बल भी लग रही है, और इधर से भी साइड से भी ऑलमोस्ट कवर हो गया है। नीचे का भी पैनल लग जाएगा, तो पैनल लगने के बाद जो है इसमें आपको और अच्छा लुक दिखेगा। और आगे मडगार्ड देख रहे हैं, मडगार्ड भी कुछ इस तरीके का ऐसे आ रहा है, पूरा कवर हुआ है। मतलब समझ लीजिए पूरी ग्राफिक ने जो है गाड़ी के 90% कलर को कवर कर दिया है। ये गाड़ी फाइनली हमारी तैयार हो गई है, रात हो गई है, अगर गाड़ी जो दिख रही बहुत ज़बरदस्त आप लोग देख रहे हो। और कभी रोशनी में हुआ तो आप लोगों को दिखलाएंगे। आप लोगों को कहाँ आना है, एवरी कस्टम्स आना है ये रहा। और इसमें देखिए पूरा फुल मॉडिफिकेशन हो गया है, और गाड़ी जो है इसमें खर्चा आया है 6-7 हज़ार रुपये खर्चा आया है। गाड़ी का लुक आपका जो है कुछ ऐसा हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये है गेंडा मैन यहाँ पे काम करते हुए, और है वो लेंडी
लेंडी देखिए, बड़े बाल वाली, और